महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को कन्नौज शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में स्थापित की गई महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का लोकार्पण समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सादिक खान, सुनील वर्मा, श्याम उषाड़ा, श्रीमती राजकुमारी कुंडल, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं ने गांधी जी के जीवन पर विचार रखे। शासकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश के प्राचार्य बीएस पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के परिपालन में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर महाविद्यालय प्रांगण में गांधी स्तंभ का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता सुनील वर्मा, श्रीमती राजकुमारी कुंडल, श्याम उषाड़ा ने अपने विचार रखे। डॉक्टर विजय गुर्जर, मंडल अध्यक्ष कन्नौद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, छात्र छात्राएं, शिक्षिकाएं मौजूद थे। वह गांधी जी के जीवन पर, उनके किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। वह स्वच्छ भारत, अहिंसा परमो धर्म व उनके कई उद्देश्यों को जीवन में उतारने पर विचार किया गया। कार्यक्रम था आज मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर गांधी स्तंभ मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में रखा गया। उसी तारतम्य में कन्नौज के शासकीय कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय में भी उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी तारतम्य में उक्त बापू की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया। मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है ताकि महाविद्यालय के छात्र जो कि देश के भविष्य हैं वो महात्मा गांधी जी के बारे में जान सकें, उन्हें पढ़ सकें। मैं भी इसी महाविद्यालय का छात्र रहा हूं। जब हम कॉलेज में थे तो हाई सेकेंडरी स्कूल में मात्र 3 कमरों में महाविद्यालय लगता था और जैसा कि हमारे विष्णु भैया ने अपने उद्बोधन में बताया कि हम लोगों ने उस समय आंदोलन किया था और मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह सरकार के समय इस महाविद्यालय का भूमि पूजन हुआ और भव्य बिल्डिंग बनी और लोकार्पण हुआ। मुझे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 2001 से 2004 तक इस महाविद्यालय का जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया और मुझे भी इस महाविद्यालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान इस महाविद्यालय में हमने सेल्फ फाइनेंस। दोपहर न्यूज के लिए देवास जिले के कन्नौज से चंचल भारती की रिपोर्ट।